कुछ चीजें मैं बता दूं उसको, आप अपनी कॉपी पे नोट भी कर लें। हाइड्रोकार्बन सर आपने लिखा, कार्बन कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन एंड हाइड्रोजन
क्या लिखा हुआ है तो ओनली कार्बोहाइड्रेट सर सी एच ओ कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग सी एच ओ हाइड्रोजन कंपाउंड्स कंटेनिंग कंपाउंड्स कंटेनिंग सी एच एंड ओ आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बोनेट कार्बोहाइड्रेट सॉरी कार्बोहाइड्रेट दीज आर सोर्स ऑफ energy and taken as food by heterotrophs taken as food या ingested as food by heterotrophs sir ये लिखना जरूरी है आपने जितना पहले लिखा ये ठीक कर रहे हैं it is used in fuel only sir पांच लाइन खत्म कर देना ठीक है अब देखो कार्बोहाइड्रेट हो गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है सैचुरेटेड हाइड्रो सिंगल बॉन्ड में शायद होता है दो हाइड्रोकार्बन व्हिच फॉर्म सिंगल बॉन्ड दो हाइड्रो कार्बन्स इन व्हिच ऑल सी एटम्स आर कंबाइंड लिंक्ड विद सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड atoms which is present in carbon and silicon or property of same kind of atom jaisa same kind of atoms is called catenation it is most in carbon atom It is most in ठीक है कार्बन अब देखो एलोट्रोपी इफ एन एलिमेंट इट इज एग्जिस्ट इन नेचर इन डिफरेंट फॉर्म्स due to different structure sir allotropy ye bhi to ho sakta hai ki if an element exists with different physical properties but having same chemical properties molecular formula different properties wala bhi jayega chemical same rahenge physical diamond aur different physically alag usse kya kahenge ye allotropy allotrop bolenge na tropy if an element then दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे इज कॉल्ड एलोट्रोपी एलोट्रोपी and those different forms are called allotropes of that that element sir ye na likhe to chalega ha chalega and those different forms are called allotropes of each other ye baat samajh aa gayi Now, sixth question करें sixth question में भी definition है organic compound एक बार ये third बता दो एक मिनट why carbon does not ये तो organic compound क्या होता है the compound which are made by carbon within organism हाँ
और द मटेरियल व्हिच इज मेड बाय कार्बन इज कॉल्ड सो द कंपाउंड व्हिच इज सिंथेसाइज्ड विद इन ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एलिमिक कंपाउंड दे कंटेन प्राइमरीली कार्बन एज एन एलिमेंट। अच्छा बोलो क्या पूछ रहे हो? थर्ड वो सब हम बता रहे हैं, सारे बता रहे हैं। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड दोस कंपाउंड्स विच आर सिंथेसाइज विच आर सिंथेसाइज्ड विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ठीक है। अच्छा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बस इतना ही आउटसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म तो दोस कंपाउंड्स व्हिच आर नॉट सिंथेसाइज्ड विद इन व्हिच आर सिंथेसाइज्ड आउटसाइड व्हिच आर ये भी दोनों भी बातें सही हैं कुछ भी लिखो मैं सिंथेसाइज्ड आउटसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म उनको क्या कहेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। नाउ वाइटल फोर्स थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? वाइटल फोर्स थ्योरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ओनली बी सिंथेसाइज्ड। सर थर्ड क्या होगा? अभी बता रहा हूँ विद इन ऑर्गेनिज्म ये किसके अंदर हो सकते हैं? ऑर्गेनिज्म बाय सम वाइटल फोर्स एंड कैंट बी सिंथेसाइज्ड इन लैब। हाँ वाइटल फोर्स एंड कैंट बी सिंथेसाइज्ड आउटसाइड ठीक है इन लैब कंडीशन। So, covalent bond. The bond which is bonded covalently. The chemical bond. कौन सा? Covalent bond. Which is bonded by sharing of electrons. Which are bonded bond by. Sir, bonded नहीं लिख सकते. Bond only the chemical bond which are formed by sharing of electrons. Yeah, two electrons are bonded. Covalent compounds. The compounds which contains covalent bond, all covalent bonds. The compounds which contains all covalent bond जैसे CH4 covalent compound ना तो वो compound जिनमें सभी bond covalent हों उन्हें covalent compound कहते हैं। ये sentence पूरा नहीं है अब इसका आगे लिखना है are called covalent compound हमने बता दिया वो तो लिखी दिया ना क्या सर? The compound which contains all covalent bonds are called covalent compounds वो तो आप अपने मन से जोड़ ही सकते हो। अच्छा आयनिक कंपाउंड द बॉन्ड्स व्हिच आर फॉर्मड बाय शेयर ट्रांसफर ऑफ आयनिक कंपाउंड है सर आयन को भी थोड़ा सा जब हम आए बिल्कुल बिल्कुल आयनिक बॉन्ड द कंपाउंड्स व्हिच आर फॉर्मड व्हिच कंटेन हूज कंस्टिट्यूएंट्स आर आयंस सर ये सर उसके तरह ही लिख सकते हैं कोवेलेंट की तरह भी लिख सकते हैं इसको द कंपाउंड व्हिच कंटेन ऑल आयनिक बॉन्ड व्हिच हां इस टेस्ट की बात छुट्टी पता नहीं जरूरी नहीं टेस्ट हो भी कि ना हो क्योंकि अब कुछ नए बच्चे भी आए हैं तो हमें उन्हें समराइज कराना है नहीं तो एलियनेटेड हैं वो अपरिचित हैं कि कार्बन क्या होता है कैसा होता होगा कार्बन द कंपाउंड कुछ ना कुछ तो हम कराएंगे आज लेकिन आप लिख रहे हैं तो वह बैठे ना रहे लिखते रहे द कंपाउंड विच सर ये सब लिख रखा है लिख रखा है तो बहुत अच्छी बात है आपको टॉपर So which, whose constituents, जिसके constituents क्या होते हैं? सर आप मजे करो।
सर कंस्टिट्यूएंट्स आर आयोनिक बॉन्ड। कोई पढ़ाना तो एक हंसी मजाक है, खेल की प्रक्रिया है सर। तो क्या हम कोई हटके दिल से थोड़ी आराम से पढ़ाओ मजे से। ये भी कर सकते, लिखते लिखते जाएंगे बाद में पकड़ा देंगे। और एक क्या लिख रहे आप देखो सर, कुछ नहीं है, यही पेपर आपको चिपका देगा। पहले लिखा हुआ ये लो सर। नहीं ऊपर वाला रखेगा, भरोसा करना पड़ेगा जब सब दे रहे होंगे। ठीक है अब देखो, राइट ए नोट ऑन डायमंड ग्रेफाइट द फुली दिन तो लिख ही लोगे। व्हाई कार्बन डज नॉट फॉर्म एनी कंपाउंड, सही आता है नहीं आता कि क्यों वो C4 बनाता है। अब क्यों C4 प्लस नहीं बना सकता है, अब क्यों C4 सर डोनेट करने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, वो एनर्जी वाला कि फिफ्थ तो बताएंगे ही। सर थर्ड बता दो, सुनो सर Why carbon does not form ionic compound? यानी कार्बन का क्या है? तुम थे नहीं कुछ दिनों में? नहीं, कार्बन स्टार्टिंग में नहीं था। ये तो एंड में पढ़ा है, एंड में थोड़ा पढ़ा है। पढ़ा नहीं स्टार्टिंग क्या क्या नहीं पढ़ा सर, बाकी सब कर लूंगा। ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ 3 4 5 बता दो, थोड़ा बहुत बता दो। कार्बन क्यों आयनिक कंपाउंड नहीं बना सकता है? तो सी इज इक्वल टू 2 4। ठीक है, इट कैन नॉट डोनेट इट्स 4 इलेक्ट्रॉन, दैट इज सी में से वो C4+ बना दे और 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, ऐसा नहीं कर सकता है। एज इट रिक्वायर्स a very large amount of energy to do so, large aisa aisa karega to apna duplicate to kar hi lega sir। 4 electron kaise nikal diya to 2 bacha na, to nikal diya 4 to 4 plus raha 6 proton 2 electron bache। Acha ha, very large amount of requires a very large amount of energy, or second it cannot cannot receive as 4 electron, ठीक है क्योंकि 6 proton में बहुत difficult हो जाएगा। C4- 10 electrons होने का सब C4- तो ऐसा करने पे इसका octet तो पूरा हो जाएगा सर। 4 electron as 6 proton cannot hold 10 electrons, so it complete its octet by sharing of electron। अब समझ में आया? बोलो। ठीक है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता कि 4 पे टाइम बना दे, 4 देने पे एक पे 3000-4000 किलो जूल एनर्जी लगती है। हाँ। तो 4 के 20000 किलो जूल कौन एनर्जी देगा इसको? चार ले नहीं सकता क्योंकि 4 लेगा तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और सेंटर में 6 प्रोटॉन होंगे, 6 प्रोटॉनों के लिए क्या 10 इलेक्ट्रॉनों को पकड़ पाना आसान होगा? क्योंकि उनका रिपल्शन बहुत ज्यादा है और कम प्रोटॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेंगे क्या? नहीं पकड़ पाएंगे। आपने 2 पॉइंट ही लिखवाए क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन है वो रिपेल हो रहे हैं और सेंटर में 6 प्रोटॉन है वो पकड़ लेंगे कि वो सब भाग जाएंगे, भाग जाएंगे। तो इसलिए वो C4- भी नहीं बना सकता है, टेट्राएन आयन और टेट्राकैटायन भी नहीं बना सकता है, इसलिए वो अपना ऑक्टेट किसके द्वारा पूरा करता है? शेयरिंग के द्वारा। आपकी कॉपी मिल गई। अब देखो, नाउ एक्सप्लेन वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। सो कार्बन का वर्सेटाइल नेचर क्या है, ये क्यों इतना इसमें टेट्रावेलेंसी और कैटिनेशन होता है? ठीक है, कार्बन इज वर्सेटाइल ड्यू टू टेट्रावेलेंसी एंड कैटिनेशन
कैटिनेशन, बस यही है। कार्बन इज टेटरनेसिन, ठीक है। इट कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड एज वेल एज मल्टीपल बॉन्ड, दैट इज डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। इट कैन फॉर्म बॉन्ड्स विथ एच ओ एस सी एल एफ डी आर आई, ठीक है, विथ सफिशियंट स्ट्रेंथ। इट ऑल्सो कैन कैटिनेट टू फॉर्म लॉन्ग चेन, ये क्या बना सकता है, क्या लॉन्ग चेन बना सकता है, ठीक है भाई, सी सी करते करते हजारों तक जुड़ जाए। इट कैन ऑल्सो फॉर्म ब्रांच कंपाउंड, ऊपर लग जाए सी जितने मर्जी, क्योंकि टेट्रावेलेंसी देखा नहीं था डायमंड में, रिंग कंपाउंड भी बना सकता है, लीनियर भी बना सकता है। सो इट कैन ऑल्सो फॉर्म ब्रांच्ड कंपाउंड, लीनियर कंपाउंड एंड रिंग कंपाउंड ड्यू टू दीज फीचर्स, इन्हीं वजहों से कार्बन इज वर्सेटाइल इन नेचर। सर वो जो आपने कई सारे एग्जांपल लिखे उसमें एक दो लिख दे तो चलेगा? कौन से? जैसे एच ओ एस लिख दे फिर एक्सेट्रा लिख दे। और क्या, इतनी बात समझ आ गई? तो फिफ्थ क्वेश्चन अभी हम नहीं कराएंगे, बाकी आप कर लो। सर एक मिनट, सर दो मिनट दे देना, फिफ्थ को अभी हम कितना की वजह है, 6:30 बजे तक करके दे दो, हो जाएगा। देखो कितनी जल्दी हमने करा दिया, आधे घंटे में। आप तो होशियार आ रही है, होशियार हमसे ज्यादा आप लोग तेज हैं। सर एक कंपाउंड के बारे में डायमंड ग्रेफाइट के बारे में पार्ट वन ले लेंगे, आप बस थोड़ा आगे बैठ जाओ। आप लोग थोड़ा और देख लो, 6:15 से शुरू करना। और वर्सेटाइल नेचर का मतलब है टेट्रावेलेंसी है, तो यहाँ से ये अपने मर्जी से टेट्रावेलेंट है, तो मर्जी जिससे जुड़ता चला जाए, और ब्रांच भी बना सकता है, शाखाएं और कहीं ना कहीं इससे जुड़ जाए, कहीं इससे जुड़ सकता है, आपस में जुड़ भी सकता है, और कहीं कहीं डबल बॉन्ड भी बना सकता है, कहीं ट्रिपल बॉन्ड बना ले, तो ये सारी खूबियां हैं इसके पास कि नहीं। ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेता है, नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे शुरू। कार्बन का आइसोमर्स होते हैं, आइसोमर्स होते हैं,
इसके अलावा वो इन सब के साथ बॉन्ड बना ले सकता है। कैटिनेशन का मतलब जानते हो? हाँ। अपने आप में ही जुड़ता चला जाए। हाँ। तो कैटिनेट कर सकता है। तो दीज आर द वेरियस फीचर्स की कैटिनेट कर सकता है और टेट्रावेलेंट है, ब्रांच कंपाउंड बना सकता है, रिंग में भी बना सकता है। बेंजीन देखा है, सबसे घिरे हुए रहते हैं C6, और चाहे तो लीनियर भी बना सकता है। बेंजीन C6H6 सब C घिरा हुआ हेक्सागोनल, तो हर चीज बना सकता है। तो इस तरीके से ये बातें नहीं करना, लेकिन आनंद तक तुम उधर बातें करती, ये दोनों बीप होते जा रहे बहुत गड़बड़ हुई, तभी उसको बुलाना पड़ा मुझे। जो बात करनी तुम्हारे बगल बैठी थी सामने, ये लोग डिस्टर्ब होते हैं ना, वो ऐसे ही पढ़ते नहीं है। इसीलिए हमने बोला था कि इनको आगे बैठा लेंगे, लेकिन आगे बोला छोटी सीट है, मैं कहाँ बैठा। चलो अरे सॉरी ओके, नाउ वी विल सी। ठीक है, अपने अपने ग्रुप में बात करो, इधर उधर बात मत करो, उससे क्या होता है कि क्लास डिस्ट्रैक्ट है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तक हो गया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नाउ कैन बी का पेट अच्छा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सो दोज हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स आर नोन एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। रिपीट करो कैटरीना। सर मैं करूं? ऐसे सिर्फ बैठने से क्या फायदा है, बोलो पीयूष। ये सर मैं करूं? ध्यान ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं बैठने का, बताएंगे इसका मतलब। मैं करूं? आप क्या बताएंगे प्रत्युष? फिर बात करने लग गए, क्या किया जाए आपका? हाइड्रोकार्बन हैज टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल कार्बन कार्बन। अभी अगला क्वेश्चन पूछेंगे तब ध्यान रखना, ध्यान रखिएगा, अगले में गड़बड़ मत करिए। सर हिला दिया मल्टीपल बॉन्ड्स दैट इज डबल डबल और ट्रिपल। सर इसको बाहर बाद में पाई भी बोलते हैं, हमें नहीं मालूम, तो उसका बोलते हो। ठीक है, पाई पाई जोड़ के याद में अमीर बनता। सो इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अगर हाइड्रोजन और मिल जाए तो फट सी अपना डबल बॉन्ड ना छोड़ दे। तो इस तरीके से जैसे हजारों कैटिनेट कर सकता है, पॉलीथीन में सिंगल यहाँ शुरू होता है वहां तक जाता है। ये देखो तो क्या इसकी टेट्रावेलेंसी पूरी है? H H H H तो यहाँ पे क्या हो गया? सर नीचे नहीं बना H
अच्छा हो गया, हो गए चार ना, कितने बनाओगे? पांच बना दें क्या? अच्छा ठीक है, अनसैचुरेटेड उसका नाम क्या है? इसका नाम है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन C2H4। और अगर मान लीजिए थ्री बॉन्ड बन गए तो सिर्फ C2H2 हो गया। ठीक है, तो ये अनसैचुरेटेड है क्योंकि इन पर क्या है, डबल बॉन्ड है। तो ये जो चीज है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर एंड दीज आर ऑयली इन टच। जैसे जैसे चलोगे आगे चलने पर, ये तीन इथिन तो गैस है लेकिन अगर पांच या पांच से आगे चलोगे तो जब ये लिक्विड होने लगते हैं, सिक्स तक ये गैस है, सेवन एट के बाद लिक्विड होते हैं, मतलब C8 और ये पेट्रोल है। हाँ पेट्रोल और इससे पहले C7, ये इसको कहते हैं गैसोलीन। ये क्या होता है? ड्राई क्लीनर। ये जो ड्राई क्लीन करता है गैसोलीन रखता है, एड भी ऐसे से इसका क्लीनर, ये पेट्रोल है। इसी तरीके से C14 डीजल, ये हर चीज जानते हैं डीजल। और C17 34 36 कैरोसिन ऑयल, कैरोसिन घास लेट या मिट्टी का तेल, जमीन से निकाला जाता है ना, इसीलिए इसको मिट्टी का तेल कहते हैं। घास में लिटा लिटा क्यों बनाते हैं? बम्बई वाले घास लेट करते हैं। अब देखो इसी तरीके से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो आगे चलने पर ये C36H7274 तो ये क्या चीज हो गई? That is vaseline. Vaseline? ये एविएशन ऑयल भी यही है। एविएशन उसमें केरोसिन से ही चलता है, उसे और रिफाइन कर दिया था बस। H102 ये इसको कहते हैं एस्पार्ट। क्या आप इन सभी में ये देख रहे हैं? जैसे लास्ट वाला क्या है? सुन लो एस्पार्ट क्या सबका एक सर इसी तरह से आ रहे हैं। एस्पार्ट देख लो, कभी सड़क बनती है ये देखो सड़क के ऊपर जो काला काला डाला जाता है ना लास्ट में, वैसलीन जानते हो? तो वैसलीन पैर में लगाया जाता है, क्रैक एसआर क्रीम और बाकी सब चीजें आप देखो। तो मेरा कहने का मतलब है सुन लो सर, वैसलीन C1 C6 क्या बोलो? और C7 से फिर आगे चलने पर C40 40 भी क्यों कहो, C25 तक कहो क्योंकि उसके आगे सेमी सॉलिड होने लगे हैं। ये सब क्या वैसलीन हल्के सॉलिड सॉलिड नहीं लगने लगे तो ये लिक्विड। और फिर और आगे चले लिक्विड C26 से C50 तक बिल्कुल सॉलिड ही है। भी तो आता है सॉलिड का लिक्विड टाइप होता है रोड पे डालते हैं, लिक्विड नहीं वो बहुत पतले पतले सर सेमी सॉलिड का आएगा सर सेमी सॉलिड वैसलीन है तो सर इसमें कहाँ आएगा? सर आएगा इसके आगे जाना होगा सर। हाइड्रोकार्बन में कोक भी तो आता है। तो कोक तो प्योर हाइड्रोकार्बन, प्योर कार्बन है। अब सुनो जैसे मैंने आपसे कहा कि दीज आर वेरी रिएक्टिव क्योंकि ये अनसैचुरेटेड है, खट से अपना डबल बॉन्ड तोड़ देंगे एंड ऑयली इन टच। जो हायर हाइड्रोकार्बन है वो कैसे हैं? हायर का मतलब 6 से ऊपर वाले, वो कैसे होंगे छूने में? ऑयली, इसलिए इनका नाम है ऑयली ऑलिफिन्स। सो दीज आर हाईली रिएक्टिव। देखो ये हाईली रिएक्टिव है और साथ में क्या है, जो हायर हाइड्रोकार्बन है वो कैसे होंगे? Oily touch. So
कॉल्ड ओलिफिन्स, ओलिफिन्स इसको ओलिफिन्स कहते हैं, ऑयली प्लस अफिन्स। अफिन्स का मतलब रिएक्टिव और ऑली ऑयली तो ऑयली। अच्छा सैचुरेटेड को पैराफिन्स, उसको पैरम अफिन्स, लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। और ये ऑयली प्लस अफिन्स, तो अच्छा ऑयली फिन्स कहेंगे। अच्छा इस हाँ ओके नाउ अब देखो कि बीच में कम कर देते हैं क्योंकि ना अब देखो बढ़ा ये देखिए नाउ दे कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ देखो एक है C2H6 है और C2H2 बोलो किसमें ज्यादा कार्बन ज्यादा है इसी तरीके से इसमें भी ज्यादा ही है C2H4 तो इसलिए दे कंटेन्स हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन सो दे डू नॉट बर्न कम्प्लीटली दो दीज आर यूज एज फ्यूल्स लेकिन ये फिर भी पूरी तरीके से बर्न नहीं होते। इसका नाम इथाइन भी है और क्या है एल्कलाइन एसिटाइलीन। ये देखो एसिटिलीन इसको क्या कहेंगे एसिटिलीन। सो दीज कंटेन्स कार्बन हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन सो दे डू नॉट बर्न कंप्लीटली पूरी तरीके से नहीं जलते क्योंकि कार्बन बहुत ज्यादा है कंप्लीटली एंड ड्यूरिंग बर्निंग प्रोड्यूस येलो पहले तो येलो फ्लेम बनाते हैं और साथ में धुएंदार भी होते हैं क्या सूटी क्या होता है सूटी यानी धुआं काला धुआं तो काले धुएं के साथ जलते हैं दे प्रोड्यूस येलो सूटी फ्लेम और जबकि उनकी ब्लू क्लीन ब्लू नाम सूटी फ्लेम होती है क्योंकि उनका कार्बन सारे जल जाता है उनमें कार्बन कार्बन ऊपर उठते हैं हवा में ऊपर जम जाएंगे कहीं पे गैस इसलिए जैसे तेल जलता है एलपीजी तो तेल की बात करें दिया जलाते हो तो तेल जलाते हो सरसों के तेल में दीपावली में तो कैसे धुआं निकलता है उसमें से तो दे बर्न विद येलो सूटी फ्लेम ऐसा क्यों है क्योंकि इनके पास क्या चीज जाता है कार्बन जब बहुत कार्बन होगा तो क्या सब जलेगा क्योंकि दो हाइड्रोजन पे दो कार्बन है अच्छा पे दो है बोलो किस पे जाता है तो वो फिर जलेगा नहीं ठीक से तो बोलो ये अनसेचुरेटेड अच्छा है फ्यूल कि ये वाला सेचुरेटेड सेचुरेटेड को हम लोग क्लीन फ्यूल वो ब्लैक ब्लैक से स्पॉट नहीं बनाता ना बिल्कुल नहीं तो इस तरीके से काला धुआं लेता है अच्छा जो सेचुरेटेड कौन सा सेचुरेटेड है जैसे मीथेन इथेन जिसमें सिंगल बॉन्ड हो और जिसमें डबल बॉन्ड है वो क्या है अनसेचुरेटेड है। अब जरा देखो ये जो बाजार में जो ये एसिटिलीन है एक सिलेंडर आता है और इसी में से फ्लेम निकलती है उससे फ्लेम निकालेगा और गर्म करेगा वेल्डर तो ये कहते हैं ऑक्सी एसिटिलीन गैस ऑक्सी होता है एसिटाइलीन गैस ये ऑक्सी एसिटिलीन गैस व्हाई ऑक्सी एसिटिलीन गैस इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग बताओ अनुराग बहुत परफेक्ट क्वेश्चन देखो ये बताने आप ध्यान से सुनो सर बिकॉज इट बर्न्स वेरी लार्ज स्पार्क ये सही कह सर बिकॉज इट हैज हाई कार्बन सर देखो कितना अच्छा ये भी ठीक कह रहे हैं सर हाइड्रोजन ज्यादा होता है ये बहुत अच्छा बिकॉज इट हैज लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन एंड बहुत अच्छी बात है कि जैसा इन्होंने कहा है कि फॉर कंप्लीट बर्निंग ऑफ एसिटिलीन ऑक्सीजन इज डेलिबरेटली मिक्स इसमें पर्पसली मिलाया जाता है
कहता है तुम बाहर से मत लो ऑक्सीजन, बाहर तो 21% हम तुम्हें प्योर दिए देते हैं, अंदर ही अंदर हमारी ऑक्सीजन से चलो। कहां बाहर जाओगे ढूंढोगे ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर में कितनी ऑक्सीजन है, 21% आधी एसिडिटी। हमें मालूम है, हमने पहले बता दिया कि माइटिंग बताने कि हाफ एसिटिलीन और हाफ ऑक्सीजन, अगर आप पहले से ही ऑक्सीजन मिला दोगे तो क्या वो पूरी तरीके से जल जाएगी, और नहीं तो जिस चीज को वेल्ड करोगे क्या वहां काला काला हो जाएगा कोयला, तो क्या वो टूट जाएगी जल्दी, भाई कहीं पे लोहा गर्म कर रहे हो कोयला पहुंच जाए बीच में तो आराम से टूट जाएगा, काली पहुंच जाए कहीं पे कार्बन, तो क्या वो चीज मजबूत जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी, नहीं ना भाई। आप किसी इसमें से निकलेगी जो फ्लेम, उसी फ्लेम को तो वहां लगाओगे जिन दो लोहों को जोड़ना है, अगर वहां काला काला पदार्थ पहुंच जाए, पहली बात तो येलो फ्लेम होगी, तो येलो का टेम्परेचर ज्यादा होता है कि ब्लू का, ब्लू का, ब्लू इज हैविंग हायर फ्रीक्वेंसी और येलो विप्योर में देख लो सबसे ज्यादा क्या है, विप्योर में वॉयलेट का सबसे ज्यादा एनर्जी है कि नहीं, ब्लू का, तो ब्लू ज्यादा अच्छी। जब तुम्हारी गैस की फ्लेम येलो होने लगती है तब क्या जान जाती हो ये गैस खत्म होने वाली है, तो इस तरीके से हम चाहते हैं उसमें ब्लू फ्लेम बने या वॉयलेट बने, तो उसके लिए कि हम उसमें क्या भर दे रहे हैं बताइए, ऑक्सीजन भर दे रहे हैं, सो दैट, सुन लो, सो दैट इट बर्न्स कंप्लीटली कंप्लीटली, इसीलिए इसलिए ऑक्सी एसिटिलीन गैस इज फिल्ड ऑक्सीजन एक्स्ट्रा डाल देने से जो कार्बन है वो पूरे का पूरा जल जाएगा, अनबर्न्ड हवा में नहीं जाएगा। और साथ ही साथ जैसा कि शिवम ने कहा कि इसके अंदर एस्बेस्टस की शीट डाल देनी चाहिए, ये जो आता है क्योंकि कई बार ब्लास्ट कर चुका है, तो अब गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया है ये जो सिलेंडर रख रहे हैं बिल्डिंग वाले, अगर इसके अंदर एस्बेस्टस नहीं है तो एस्बेस्टस में वो एब्जॉर्ब है धीरे धीरे रिलीज होगी और ब्लास्ट करेगी तो 4-6 लोगों को मार देगी, तो उसको आर्टिकल 1981 के तहत 5 साल की सजा का प्रावधान है जो एस्बेस्टस की शीट के बिना वाला ऑक्सीएसिटिलीन टॉर्च गैस इस्तेमाल करता हो, तो मतलब एस्बेस्टस सीमेंट की शीट है जो छतों पर डाली जाती है, हाउएवर इट इज आल्सो ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ दिस, सो व्हाई ऑक्सीएसिटिलीन गैस इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग, व्हाई ऑक्सीजन इज मिक्स्ड इन एसिटिलीन, पहले तो एसिटिलीन का फार्मूला बताओ, मॉलिक्यूलर फार्मूला बताओ, तो वहां तो C2H2 लिखा है और अभी उन्होंने हिंट भी दिया था C2H2। सो व्हाई ऑक्सीजन इज मिक्स्ड इन ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग टॉर्च गैस, सर ऑक्सीजन इज मिक्स्ड इन एसिटिलीन गैस बिकॉज़ टू बर्न इट ठीक है, सो दैट इट कैन प्रोड्यूस मोर रिक्वायर्ड मेल्टिंग टेम्परेचर, रिक्वायर्ड मेल्टिंग टेम्परेचर एंड डू नॉट लीव कार्बन रेसिड्यू एट द सरफेस टू बी वेल्डेड, रिपीट करो, सो दैट इट कैन प्रोवाइड रिक्वायर्ड मेल्टिंग टेम्परेचर एंड कार्बन कैन नॉट रेसिड्यू, डू नॉट लीव, डू नॉट ऑक्सीजन भी कुछ कहता है, वो क्या कहता है वो लिखें, सो सर एक बार इसका स्ट्रक्चर बता, इतनी बात समझ आ गई, ये लिख दिया ऐसे किसी ऑक्सीजन मिला दो ऐसे कोई लिया तो थोड़ी ना करेगी ऑक्सीजन मिलाना, अब जरा देखो तो ये इस तरीके से चलती है, दिस गिव्स एडिशन रिएक्शन, एक ऐसी रिएक्शन देती है, सो अनसैचुरेटेड, सर ये ऑक्सी एसिटिलीन का लिखा दो, इसमें नहीं लिखाएंगे ये, इसका इसको अलग से बता दिया, इसका अलग क्वेश्चन बनता है, अब इसमें हम नहीं लिखा सकते ना उस चीज को, हमने आपको जानकारी दे दी, अभी क्वेश्चन लिखवा दें कि ऑक्सीएसिटिलीन गैस क्या है और कितने साल की सजा का प्रावधान है, दोनों सवाल आ चुके हैं एग्जाम। अच्छा अब देखो अनसैचुरेटेड
hydrocarbons. Hydrocarbons give. कैटरीना बोलिए इस सेंटेंस को पूरा करो, अभी बताया था पीयूष, सेंटेंस पूरा करो, ये सेंटेंस पूरा करो, गिव अब मास्क ही लगा है तो सही बोलो, हमें क्या पता चल रहा है, चलेगा हाँ हाँ, सुनना नहीं है तुमको कुछ, अभी दूसरा सवाल भी गया तुम्हारे यहाँ, सुनना ही नहीं है तो क्या करोगे, एडिशन रिएक्शन, दूसरे बच्चे सब सुन रहे हैं, चलो इट गिव्स एडिशन रिएक्शन, इसका मतलब क्या हुआ, और जैसे पिछले क्लास में बताया था, देखो तुम्हारा भाई कितना आगे बढ़ बढ़ के क्वेश्चन पूछता है, उससे कुछ सीखो, कह रहा सर इसका भी मतलब बताओ, उसका कितना प्रेरणा लो उससे ना, तो मान लीजिए ये ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन से इसकी रिएक्शन करा दी, तो ब्रोमीन से इसकी जब रिएक्शन कराएंगे तो ब्रोमीन किस कलर का होता है, ब्रोमीन का दैट इज अ रेड, रेड कलर का है, इस तरीके का ये रेड कलर का ब्रोमीन है, तो ये C2H4 2B ब्राउन कलर है सर, आपने Cl के साथ बताया, और ठीक है अब यहाँ पर देखो सर ब्रोमीन में दो कार्बन, ब्रोमीन Br2 होता है, तो C2H4Br2 ये देखो, ये कलर है ब्रोमीन, अगर ब्रोमीन डाल दिया, ब्रोमीन में इथेन गैस पास कर दी, तो क्या ब्रोमीन का कलर उड़ जाएगा, तो ब्रोमीन का कलर उड़ जाएगा और ये बनेगा डाई ब्रोमो इथेन, ये डबल बॉन्ड का सबसे अच्छा टेस्ट है, कोई कहे कि सर्टिफाई करो ये डबल बॉन्ड है इसमें, तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्या होगा, व्हाट इज दिस, इफ इथेन गैस इज पास्ड इन लिक्विड ब्रोमीन देन इट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर टू फॉर्म डाई ब्रोमो इथेन, रिपीट करो सर, इफ इथेन इज पास्ड इन लिक्विड ब्रोमीन देन इट डीकलराइज एंड फॉर्म डाई लिक्विड ब्रोमीन, डाई ब्रोमो इथेन, डाई ब्रोमो इथेन हो गया, अभी इथेन नहीं रह गया, रिपीट कर लिया आनंदिता, इफ इथाइन है ये, कुछ हटाए तो इस प्रकार के रिएक्शन जिसमें चीजें ऐड हो जाती हैं, कुछ रिमूव भी नहीं होता, उसे क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रिया, सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं कहते, ठीक है अब जरा देखो ये डबल बॉन्ड की है, अब कुछ बातें देख रहे हैं कि इफ इथीन गैस क्या कर देगा, डीकलराइज रंगहीन कर देता है, डीकलराइज ब्रोमीन वाटर
एंड फॉर्म्स कलरलेस. आप बोलो माई पूरा करो. कलरलेस क्या बनाता है? ब्रोमो या ब्रोमीथेन होगा ना? ब्रोमो तो ब्रोमीन है. ब्रोमो क्लोरो इथेन जानते हो कि क्लोर इथेन बोलते हो? क्लोरो इथेन. सर ये सैचुरेटेड हो जाएगा ना? सैचुरेटेड बन गया और फॉर्म सैचुरेटेड कंपाउंड. जैसे कि इट इज कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं? सैचुरेटेड वाटर टेस्ट. यूज्ड टू टेस्ट मल्टीपल बॉन्ड्स. डबल बॉन्ड को भी टेस्ट कर सकते हैं और ट्रिपल बॉन्ड्स को. यूज टू टेस्ट प्रेजेंस ऑफ, अगर किसी में मल्टीपल बॉन्ड है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड, और ये तो अगर उस गैस को इसमें पास करोगे या उस लिक्विड को, तो वो इस ब्रोमीन वाटर को क्या बना देगा? कलर गैस. घी कैसा है? सैचुरेटेड है. और ऑयल क्या है? अगर मैं इसमें तेल डाल दूं, ये सारा कलर चला जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है तेल कैसा है? अनसैचुरेटेड है. क्या ये वेरी रिएक्टिव है तेल? ये हमारी बॉडी के लिए हेल्दी है कि अनहेल्दी? सर अनहेल्दी. कैसे हेल्दी? हेल्दी हेल्दी वो हेल्दी है घी आदमी का, क्योंकि वो डाइजेस्ट जल्दी हो जाता, रिएक्ट कर जाता है. जिसके पास पैसे उसके लिए हेल्दी है. सुन लो, ऐसे इधर उधर की बात ना करो. रिएक्टिव है तो हमारी बॉडी से रिएक्ट करेगा, डाइजेस्ट हो जाएगा. और जो चीज सैचुरेटेड फैट हेल्दी है कि अनहेल्दी? अनहेल्दी, क्योंकि वो सैचुरेटेड रिएक्ट नहीं करेगा, किनारे कोलेस्ट्रॉल के रूप में जमा रहेगा. समझ आई बात कि नहीं? तो ये इट इज यूज फॉर प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड. जैसे कि सी ट्रिपल बॉन्ड सी है, एच और एच. अगर मैं यहाँ पर ब्रोमीन जोड़ता हूँ, अभी बता रहा हूँ, इन दोनों का पहले डिफरेंस लिखेंगे. दो ब्रोमीन जोड़ा है तो क्या एक बॉन्ड ऊपर वाले के लिए टूटेगा और एक नीचे के लिए? और ये सैचुरेटेड हो जाएंगे. और ये क्या यहाँ भी है? और यहाँ भी, और ये पी आर, और ये एक बॉन्ड बचा रहेगा, और ये एच और एच. मतलब ये सारे जो बॉन्ड है ना मल्टीपल बॉन्ड, वो टूट गए क्योंकि इलेक्ट्रॉन पास पास थे, उनमें क्या था? रिपल्शन था, तो उन्होंने सिंगल बना दिया और बाकी जो था तोड़कर उससे बॉन्ड बना लिया. अच्छा, ब्रोमीन किस कलर का होता है? ब्रोमीन रेड कलर का ब्रोमीन वाटर है. और यहाँ जो बन गया, दो कार्बन है, दोनों कार्बन को 1-2 का नाम दो. तो बताओ चार ब्रोमीन की लोकेशन क्या है? क्या 1 पर है? दो ऊपर और 1 पर. 1 एक उसका कमरा नंबर है. तो 1 पर एक ब्रोमीन है, दूसरा भी 1 पे है, और 1-2 पे है, दूसरा भी 2 पे. तो चारों की लोकेशन बता दी. दो ब्रोमीन कमरा नंबर 1 पे है और दो ब्रोमीन कमरा नंबर 2 पे. यहाँ पर देखो, क्या एक 1 पर है और एक 2 पे है? तो यहाँ लिखो 1, 2 और फिर -1. ये क्या क्वेश्चन आएगा सर? मतलब दो ब्रोमीन कहाँ कहाँ पे है कमरा नंबर 1, 2 डाई ब्रोमो. टू पर एक है और 1 पर एक है. तो सर बोलते समय ये बोलना पड़ेगा, ये सिखा रहे हैं आपको. 1, 2 दो ब्रोमीन है, दोनों का कमरा नंबर क्या है, लोकेंट्स क्या है? जो लोकेशन है, जो उनका कमरा नंबर है, उसको लोकेंट कहते हैं. इसको क्या कहेंगे? लोकेंट. अब हाइफन लगाओ, कितने ब्रोमीन है? 1, 1, 2, 2. ये देखो कितना अच्छा, मतलब चीजों का कमांड हो तभी तो आदमी बोल सकता है. कैसे इन्होंने बोला टेट्रा ब्रोमो? तो नहीं बोल पाया सर, मैंने सोचा था, सच्ची में यही सोचा था. आपने सोचा, उन्होंने बोल दिया भाई. नंबर तो बोलने वाले का सही है. बोलो, सुनिए. When ethane gas is passed through bromine water,
then it decolorized bromine water and became tetrabromoethane. बिना लोकेंट के नहीं बोलना है, बोलो. वन वन टू टू में बोलो. सर मैं बोलूँ वन वन टू टू टेट्राब्रोमो. टेट्राब्रोमो सर मैं भी वन वन टू टू क्या है उसकी लोकेशन. सर मैं बोलूँ बोलो. वैन कमरा नंबर वन. तुम बताते ही नहीं हो ठीक से तो क्या बोलोगे प्रत्युष बोलो. क्योंकि वो बचा नहीं था तो इस तरीके से ये भी कलरलेस है क्या कलर. अच्छा अब हम इसकी बात करते हैं इनके डिफरेंसेस की बिकॉज डिफरेंसेस सैचुरेटेड और सर ये ब्रोमिंग के बाद टेस्ट होने के बाद इनका कलर चेंज हो जाएगा हर किसी में मतलब कलर लेस हो जाएगा. अगर आप कोई भी अनसैचुरेटेड पास करोगे तेल डाल दो इसमें. ₹60 का नंबर बगल वाले के पास मिलता है मंगा लेना. इसे लंप मीटर कहते हैं. अगर आप चलोगे जितनी गर्मी होगी उतना पॉइंट कर जाएगा. अभी फिर होगा तो दे थोड़ी देर पहले पूछ जाता. अब आप आगे तो देखोगे. सर आपने बहुत गर्मी है. आप लोग तो इसको कराते थे हम तो घर में एसी के बिना नहीं ले पाते. थोड़ा सा पूरा कमरा गर्म करके रखते हो. हम इसी में बार बार कूल कर देते हैं ठंडा कर देते. फिर ये नंदिता कहती सर थोड़ा सा. अब देखो नाउ द डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. ये कितने मार्क्स का है? 3 नंबर का. 3 नंबर सर और 5 नंबर. सर हाइफन क्या होता है? हाइफन एक डैश. ये ना संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त इसको क्या कहेंगे? असंतृप्त असंतृप्त यानी असंतुष्ट. और ये तो अब जरा देखें इट कंटेन्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. और जब इसमें क्या होगा इट कंटेन्स टू और मोर बॉन्ड कार्बन कार्बन मल्टीपल दैट इज डबल एंड डबल और ट्रिपल भी कह सकते हो. सेट टू और मोर यानी डबल है. इट प्रोड्यूसेस मोर कार्बन कार्बन इट हैज लेस अमाउंट ऑफ इट इज इनर्ट कार्बन. हां इनर्ट इनर्ट नेचर इनर्ट सर इनर्ट कंप्लीटली इनर्ट होना है कठिन परिस्थितियों में. कंडीशन का मतलब है हाई टेम्परेचर एंड वहाँ पे आपने
एग्जांपल घी एंड हाई प्रेशर एंड बटर। ये इनर्ट का मतलब अक्रिय, क्रियाशील नहीं है ये, अक्रिय। एक होता है सक्रिय, जैसे एक होता है एक्टिव वोल्केनो, एक होता है इनएक्टिव वोल्केनो जो सोया हुआ है, प्रसुप्त है, ये एक्टिव नहीं है। स्कूल जाना, अच्छा जी क्या स्कूल जाना है, कैसे एक अक्रिय होता है सक्रिय। ये सोया वाइब्रेट नहीं करता जब तक आप इसे विग्रेसली हिलाओ नहीं, उठो उठो रिएक्शन करो। ठीक है, जब इट इज एक्टिव इन नेचर एंड रिएक्ट अंडर नॉर्मल कंडीशन। इनर्ट इन नेचर अक्रिय, जैसे ही इनर्ट कैसा था लास्ट वाली, ये किसी से रिएक्ट नहीं करती, सबका ऑप्टेट पूरा। अच्छा, अनरिएक्टिव मतलब दीज आर अनरिएक्टिव, इनको जब तक खूब प्रेशर ना लगाओ, खूब टेम्परेचर ना दो, 650 डिग्री सेल्सियस चाहिए, नीचे से ऊपर। जब की इन सब में ब्रोमीन वाटर डाल के हिला दिया, सब कलर गया, ना कोई टेम्परेचर ना प्रेशर, अंडर नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, अब ये देखो, सो दीज आर कॉल्ड पैराफिन्स, देट इज लेस रिएक्टिव ना, पैरम प्लस पैराफिन्स लेस। आप चाहें तो उसी में भी वो कर सकते हैं। फिर ऑयली है, इट इज ऑयली इन ऑलिफिन्स, दैट इज ऑयली इन टच एक्टिन, प्लस ऑयली भी तो कंडीशन पे ही होता है ना, रिएक्टिव। हाँ, आगे जो भी जो हमारे काम के इन नेचर, ठीक है, ये दीज आर यूज्ड, जो भी गैसेज है ना, दीज आर यूज एज क्लीन फ्यूल्स। क्या कैसे यूज किए जा सकते हैं, क्लीन क्लीन फ्यूल, जो लोअर कार्बन कंपाउंड्स है उन्हें कैसे यूज किया जा सकता है, क्लीन फ्यूल, जैसे आप समझ लो क्लीन ब्लू फ्यूल, लोअर कार्बन कंपाउंड्स। लोअर कौन से है, क्या सी एन जी, CH4 को सी एन जी कहते हो, सी एन जी, और ऑक्टेन को क्या कहते हो, केरोसिन, C8, ये जो भी है H40, 8, 2, 16 और 18, दो बढ़ा के लिखना पड़ेगा ना, तो पेट्रोल, ये सब किसमें यूज किए जा सकते हैं, आर यूज्ड एज क्लीन फ्यूल्स, क्योंकि अच्छे खासे ब्लू कलर में जलेंगे, आर क्लीन फ्यूल्स, जबकि ये क्या है, एंड प्रोड्यूस, प्रोड्यूस क्या करते हैं, ब्लू, क्लीन ब्लू नॉन सूटिफिकेंट, क्लीन ब्लू नॉन सूटी का क्या मतलब है, ब्लैक स्मोक, और नॉन सूटी यानी बिना धुएं की। सर, हाँ सर, पेट्रोल कैसे होगा, पेट्रोल होता है, पेट्रोल का फार्मूला है, पर पेट्रोल कैसे हो सकता है, पेट्रोल में अगर हम कुछ कुछ भी ना डालें तो उसमें से कुछ भी नहीं है निकलेगा, यानी अच्छी तरीके से चलेगा, सही पेट्रोल है ना, जो गाड़ी स्कूटी के अंदर माचिस डालते हैं तो उसमें धुआं नहीं निकलेगा, अगर गाड़ी नहीं है तो पूरी तरीके से जल जाएगा, आपके कंबशन चैम्बर का जो एग्जॉस्ट है ना उसमें धुआं नहीं देगा, पीछे प्रॉपरली आपका चैम्बर क्लीन है तो वो पूरा जला देगा, चैम्बर में गड़बड़ी है तो नहीं जला पाएगा प्रॉपरली ऑक्सीजन, सबके चैम्बर में गड़बड़ी है, हाँ इसीलिए सर्विसिंग कराते हैं, और सिर्फ कुछ चेक, इसीलिए पॉल्यूशन चेक है कि भाई आप सर्विसिंग करा, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल। अब देखो, दीज कार्बन कंपाउंड क्या करते हैं, आर प्रोड्यूस क्लियर नॉन सूटी फ्लेम्स, और जबकि ये
ये लो हायर कार्बन कंपाउंड आर दिस आर बर्निंग ब्लू येलो सूटी फ्लेम. ये किस तरीके से जलते हैं? येलो सूटी फ्लेम. येलो सूटी फ्लेम क्या? अनसैचुरेटेड. जैसे तेल हो गया वहाँ यूज हो रहा है. हम लोग खाते पीते हैं इनके हायर वाले. वेजिटेबल ऑयल्स बटर. ये बटर है तो वो वेजिटेबल ऑयल है. इसके हायर वाले इसीलिए लोगों ने खाया होगा. अब हायर होंगे तो बटर वटर भी हो जाएंगे. जैसे मैंने क्या बताया था C3H7 और C00. बटर होने के लिए ये सब भी होना चाहिए. फैटी एसिड कार्बोनिक एसिड अभी बता रहे हैं. अभी पहले पहले पूछोगे तो नहीं बता पाएंगे. अभी लिखाई नहीं तो हम बताए कहाँ से. हाँ तो हम बता देंगे. जो जैसे इतना समझ में आ गया कि ये क्लीन फ्यूल है. ये कैसे हैं? इनमें सुनो, इसमें कार्बन का परसेंटेज कम है. कार्बन का तो क्लीन फ्यूल होंगे तो लिखा के नहीं लिखा. और ये बर्निंग भी दे तो इसको क्लीन फ्यूल में इस्तेमाल किया जा सकेगा. अब मैं बटर का लिखाऊंगा तो बताऊंगा कि नहीं बताऊंगा. अच्छा इट हैज हाई लो परसेंटेज ऑफ कार्बन और इट हैज सही है. इट हैज लो परसेंटेज. देखो ये कितना अच्छा बता रहे हैं कि सर आपने ये तो लिखा ही नहीं कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा और एडिशन. बहुत बड़ी बात है. मत बात करो उसको. वो बिल्कुल डिफॉल्टर टाइप है. एक नंबर लाए पिछाने. तुम चुप रहो, इग्नोर करो. ये मत सोचो कि ये मेरे स्कूल का तभी उसका कल्याण है. उसको आगे बैठा था पीछे चला गया. और रोज उसके पापा को जवाब देना पड़ता है. 10 बात हमें सुननी पड़ती है. कुछ बात मत करो. बाहर जाने के बाद करे तो करो. ठीक वो बुलाने दो उसको. उसको ध्यान नहीं है. इधर उधर कुछ ना कुछ टाइम पास करना है. अभी 3 मिनट कैसे पास करें? हाँ बोलिए. कुछ भी पूछो. इधर पूछो इन सबसे. कुछ भी ना करो क्लास में. जब मैं पढ़ा रहा हूँ आप हमारी बातों आप मत बात करो. आप अपनी तरफ बात करो. उधर मत बात करो. So, it has low percentage of carbon. तो और जबकि इसमें क्या है? High percentage of carbon. सर आपने CNG का formula क्या लिखा है? Percentage of CH4 methane. CH4. अब बेटा रक्षित ये मुझे बता दो तब मैं जान जाऊंगा. समझ गया कौन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है कौन. अभी रुक जाओ. अब हम ये देख लें कि ये बता पाते हैं. सब्स्टिट्यूशन कोई बताना नहीं. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन देता है? दोनों अभी हमने इसमें बोलो सैचुरेटेड. वो क्या देते हैं? वो सब ठीक है. ये मुझे बताओ एडिशन रिएक्शन कौन देता है सब्स्टिट्यूशन. और सब्स्टिट्यूटेड और ये वाले जो सैचुरेटेड है वो बोलो बोलो वो कैसी रिएक्शन देते हैं? आनंदिता आप बताओ. और ये वाले रिपीट करो. सैचुरेटेड क्या देते हैं? गलत बता रहे. दो बार वो भी बता दी तभी गलत बता रहे. सर मैं बताऊं? हाँ बोलो. अनसैचुरेटेड एडिशन देते हैं और सैचुरेटेड सब्स्टिट्यूशन. सो इट चॉकलेट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अगर बहुत जानते हो तो एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल बताओ. कब बताया? देखो ये बताने वाली है. बताओगे मुझसे पूछे? अच्छा सर मैं बताऊं. बिना देखे देखो बता नहीं. बोलिए आप बोलिए. सर मैं बोलूं? सर मैं बिना देखे बोल रहा हूं. प्लस सीएल तो जो नीचे के से जो नीचे के एच. हां बनेगा क्या क्या? सी अरे सर मैं बताऊं. CH3 CH2
HCl बनता है, HCl और CH3 CH plus H इसलिए Cl2 Cl हटता है। क्या बनेगा सर? Cl को थोड़ा इधर आओ, थोड़ा सर HCl CH3Cl plus HCl CH3Cl plus HCl HCl CH3Cl Piyush इसका नाम बताओ। गजेंद्र बताओ। देख लो ये दो भाई हैं, दोनों कितना फर्क, एक पीछे बैठ रहा है एक आगे। रिपीट अगर रिवाइज ही नहीं करोगे, अब पहले तुम तेज हुआ करते थे और ये कहीं नहीं था, सिर्फ आगे बैठने से ये टॉपर होने लगा। याद है वो दिन? अभी भी मुझे याद है कि तुम 60 में 12 मार्क्स लाए थे वो स्वर्णिम दिन, और आज एक लाते हो। मैं बुरा नहीं हूँ, अच्छे दिन मोदी जी के अच्छे दिन। दोनों मिथेन अभी भी वो दिन आ सकते हैं अगर तुम्हें 12 नंबर फिर से चाहिए। अब यहाँ देखो, इट गिव्स एडिशन रिएक्शन, इट गिव्स एडिशन रिएक्शन। नाउ पीयूष चौधरी, एडिशन रिएक्शन का अभी अभी एग्जांपल बताया गया, रिकैपिटुलेट करिए। बोलो। बोलो सीधा बोल देते, सर में टेंथ में हुई नहीं, हमें क्या लेना देना। बोलो C2H2 प्लस भी तो करवाओ। BR2 बोल रही हूँ, ऊपर लगेगा BR2। बोलो डाइब्रोमीथेन ये समझ में आ गया। एक बात बताओ, इनमें से जय कौन ब्रोमीन वाटर टेस्ट देता है और कौन नहीं देता? सर हम तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट। कैटरीना, वेजिटेबल ऑयल को किस में रखना चाहोगी और बटर को किस में रखना चाहोगी? बटर। देखो ये बताने आप लोग समर्थन करिए, कह रही वेजिटेबल ऑयल को सैचुरेटेड में रखेंगे, आप बताइए। अच्छा बताएं। सो इसमें लिखो एग्जांपल क्या है, बटर, और इसमें क्या है, वेजिटेबल, सॉरी कॉर्न ऑयल, और बोलो कौन सा कंपनी की, इट डजंट डोंट, क्या ये वाला बॉय सर, नहीं बटर की ज्यादा एंड डोंट लीव रेसिडुअल। बस ये अगले क्लास में लिखवा देंगे आपको। सर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैज 9 लेटर्स इन इट एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये भी हो सकता है, डाइजेस्ट इजली वन
बटर की जगह आप यहाँ पे चेंज कर लो चेंज लिख लो C2H2 क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन की चर्चा कर रहे हैं. जब हम बटर की बात करेंगे तो O भी आ जाएगा. हम O से बचना चाहते हैं. हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है तो उसमें ये लिख देना ठीक है लास्ट में. ओके वेलकम. थैंक यू सर.